पेपर के खंड आ और बा का आपको एक्सप्लेनेशन मिल चुका है। खंड सा का ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसमें भी मैं आपके चार क्वेश्चंस का आंसर्स दे रहा हूँ। ये आंसर आपको इस बार के पेपर में भी बहुत ही उपयोगी रहेंगे, इसलिए आप अपने हिसाब से इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये शॉर्ट में आते हैं तो आपको मात्र हेडिंग्स लिखनी है, अगर शॉर्ट के अलावा ये आंसर्स आते हैं तो आपको लॉन्ग आंसर्स में जाना है। तो यहाँ पर चलते हैं, जल्दी से देखें तो परामर्श के उद्देश्य के और क्षेत्र और संस्थाओं के वर्णन को बताएं, निर्देशन और परामर्श के मध्य अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर परामर्श के उद्देश्य को अगर हम देखने की कोशिश करें तो परामर्श के उद्देश्य के तौर पर छात्र को आत्मनिर्देशन का ये समर्थन करना, छात्र को भावी जीवन के लिए तैयार करना परामर्श के उद्देश्यों में आता है, छात्र को सामाजिक जीवन जीने में सहायता प्रदान करना और छात्र को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते रहना हमारे उद्देश्यों में आता है। परामर्श के क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसमें हमारे लिए चार क्षेत्र प्रमुख हैं और इन चार क्षेत्रों में आप देख रहे हैं व्यक्ति का शैक्षिक परामर्श है जो उसकी शिक्षा से संबंधित है, फिर व्यवसायिक परामर्श है जो उसके व्यवसाय से संबंधित है, और नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत परामर्श है जो उसके व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य से संबंधित है, और इसके बाद हमारा जो अगला परामर्श है वो वैवाहिक जीवन है जिसमें शादी और इससे संबंधित जो अन्य प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड परामर्श सम्मिलित होता है। परामर्श की क्या विशेषता है? परामर्श समस्या केंद्रित होता है क्योंकि बिना समस्या के कोई परामर्श नहीं होता। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप कोई भी सुझाव स्वीकार नहीं करेंगे। सामूहिक प्रक्रिया न होकर व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें मात्र दो व्यक्ति होते हैं, ए परामर्शदाता और बी परामर्श लेने वाला। परामर्श प्रक्रिया में दो लोग होते हैं, एक परामर्शदाता और दूसरा परामर्श प्राप्तकर्ता। इसके बाद परामर्श जो है वो अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है, इसमें समस्या के हल के साथ साथ अधिगम भी होता है। अधिगम का मतलब सीखना है, जो बी व्यक्ति है वो कुछ नया सीखता है। परामर्श के द्वारा किसी व्यक्ति के छात्र को उसकी समस्या को हल नहीं किया जाता बल्कि उसकी समस्या को हल समाधान के लिए सहायता की जाती है, हल उसे स्वयं ही ढूंढना होता है। परामर्श की प्रकट किया है, परामर्श एक अति व्यापक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति की शैक्षिक व्यवसायिक और समायोजन संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सलाह दी जाती है। परामर्श की प्रकट निम्न बिंदुओं से स्पष्ट की जा सकती है। परामर्श जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, मनुष्य की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती अतः परामर्श की आवश्यकता जीवन भर बनी रहती है। परामर्श एक समायोजन की प्रक्रिया है, जब छात्र नई जगह पर जाता है जैसे विद्यालय महाविद्यालय तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके लिए उसे परामर्श की आवश्यकता होती है। परामर्श के द्वारा छात्र को उसकी रुचियों योग्यताओं और सफलताओं के बारे में अवगत कराया जाता है। परामर्श समस्या केंद्रित होता है, परामर्श की प्रक्रिया सहयोग और समन्वय पर आधारित होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने शॉर्ट में इस क्वेश्चन के डिटेल लिखे हैं, अगर आपको और समय मिलता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है परामर्श की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आप इसके परामर्श प्रकारों को संक्षेप में बताएं। तो परामर्श का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। परामर्श का अर्थ है परामर्श अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूएम का शब्द का रूपांतरण है जिसका अर्थ है टू कंसल्ट और इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ सलाह लेना या परामर्श लेना। परामर्श के प्रकार सब लोगों को कठिनाइयां अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अतः परामर्श भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है जो निम्न तरीके से हो सकता है निर्देशी, अब यहाँ पर निर्देशनात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और सर्वग्राही परामर्श। आपको ये देखना है कि परामर्शदाता, परामर्शग्राही और समस्या तीन चीजें होती हैं। तो अगर हमारा परामर्शदाता पर केंद्रित होगा तो वो निर्देशनात्मक परामर्श हो जाएगा, अगर परामर्शग्राही पर केंद्रित होगा तो अनिर्देशात्मक हो जाएगा, और अगर वो समस्या पर केंद्रित होगा तो दोनों के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा वो हमारा सर्वग्राही परामर्श हो जाएगा। सर्वग्राही परामर्श समन्वित परामर्श के रूप में भी जाना जाता है, सर्वग्राही परामर्श समन्वित परामर्श के रूप में भी जाना जाता है। और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में इसी चीज के डिटेल के बारे में चर्चा की गई है। निर्देशनात्मक परामर्श क्या है? निर्देशात्मक परामर्श परामर्शदाता केंद्रित है क्योंकि इसमें परामर्शदाता को अधिक महत्व दिया जाता है। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को संपूर्ण रूप से मार्गदर्शन प्रदान करता है। अनिर्देशात्मक परामर्श में परामर्श प्रार्थी अधिक सक्रिय रहता है, वह परामर्श प्रार्थी को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सर्वग्राही परामर्श में निर्देशनात्मक अनिर्देशात्मक का समन्वय होता है, इसमें ना तो परामर्शदाता को ना ही परामर्श प्रार्थी को प्रमुख स्थान दिया जाता है बल्कि बीच का मार्ग अपनाया जाता है, इसे ही हम समन्वित परामर्श कहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर निर्देशन और परामर्श केंद्रों के विभिन्न उद्देश्य और उनको प्रभावित करने वाले घटकों के वर्णन की बात करी गई है। तो यहाँ से पहले ही हम इसके बैकग्राउंड को लिखेंगे कि मनुष्य के भीतर एक ऐसी क्षमता विद्यमान है जिससे वह दूसरों से परामर्श और निर्देशन ले सकता है, दूसरों के परामर्श और निर्देशन प्रदान कर सकता है,
वह अपने सामान्य और संकट के क्षणों में एक दूसरे की मदद के लिए अपेक्षित निर्देशन देता है, जिससे उसकी व्यक्तिगत सामाजिक जीवन धारा निर्बाध रूप से चलती रहती है। तो यानी एक व्यक्ति किसी समय में निर्देशन दाता हो सकता है और यही व्यक्ति किसी समय में निर्देशन प्राप्त करता हो सकता है। तो ए भी दोनों आपस में निर्देशन प्राप्त करता और निर्देशन दाता हो सकते हैं। निर्देशन केंद्र इसी बात के लिए बनाए जाते हैं। तो इन निर्देशन केंद्रों की स्थापना के निम्न उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को आप देखें तो निर्देशन जितने तरह का होता है उतने तरीके के हमारे निर्देशन केंद्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा शैक्षिक निर्देशन केंद्र आ जाता है, जो शिक्षा से संबंधित निर्देशन देता है। दूसरा व्यावसायिक निर्देशन आता है, जो कि हमारा वोकेशनल निर्देशन देता है या हमारे व्यावसायिक निर्देशन को देने की कोशिश करता है। व्यक्तिगत और सामाजिक निर्देशन प्रदान करने के लिए भी हमारे केंद्र है, जो व्यक्ति की सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से इन सामान्य उद्देश्यों का विशिष्ट स्वरूप इस प्रकार का है कि हमें सबसे पहले किसी व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन देना है, प्रोवाइड एजुकेशनल गाइडेंस, जिससे कि वो व्यक्ति अपने आप को अच्छे तरीके से समायोजित कर सके। अब अगला, विशिष्ट बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को और सृजनात्मक बालकों की पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करना भी हमारे निर्देशन का एक पर्याप्त चरण होता है। अब इसके बाद हमारा अधिगम असमर्थी बालक, जो समस्यात्मक बालक हैं, इनकी समस्या का निदान करना, उपचारात्मक शिक्षण करना, अनुदेशन देना और इनके लिए साधनों की व्यवस्था करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अध्ययनरत छात्रों की प्रगति की देखरेख करना भी निर्देशन सेवा का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ हमें आगामी शिक्षण कार्य में प्रशिक्षण संबंधी छात्रों को सूचना देना, सहायता प्रदान करना भी शिक्षण सेवा का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों की अधिगम कठिनाइयों और उनकी समस्याओं का सूक्ष्म निरीक्षण कर विकास करना या उनका निवारण करना भी अधिगम सेवा या निर्देशन सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है। व्यावसायिक निर्देशन में क्या क्या चीजें होती हैं? व्यावसायिक निर्देशन विशिष्ट रूप से 3 कार्यों के लिए किया जाता है, जिनमें रोजगार संबंधी सूचनाओं के अवसरों को एकत्र किया जाता है और उससे रिलेटेड अवसर दिए जाते हैं। रोजगार संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण कर विकास किया जाता है, समुचित रोजगार दिया जाता है और व्यवसाय चयन करने में मदद की जाती है। स्वयं रोजगार के अवसर प्राप्त कर छात्रों को ऐसी सूचनाएं दी जाती हैं जिससे छात्र अपने आप को उन रोजगार संसाधनों के साथ सुव्यवस्थित कर सकें। व्यक्तिगत और सामाजिक निर्देशन और परामर्श। अब व्यक्तिगत निर्देशन किस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होगा। सामाजिक जीवन से संबंधित निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया के 5 विशिष्ट उद्देश्य हैं। इनमें छात्रों को समायोजन संबंधी समस्याओं को पहचानना, समाधान प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अच्छे मूल्यों, आदतों और अभिवृत्तियों का समुचित विकास करना होता है। छात्रों को पारस्परिक रूप से छात्रों को अच्छे संबंध विकसित करने के लिए प्रेरित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। छात्रों के खाली समय का सदुपयोग करना, उसमें प्रवृत्ति का विकास करना इसके मुख्य उद्देश्यों में आता है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता प्रदान करना या इनके प्रति छात्रों को जागरूक करना भी निर्देशन सेवा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या। तो क्या प्रक्रियाएं हैं जो परामर्श केंद्रों को प्रभावित कर सकती हैं या परामर्श देते समय हमें ऐसी कौन सी समस्याएं हो सकती हैं जिससे हमारी सफलता निश्चित होती है या टूट जाती है? तो इसमें सबसे पहले है ग्राहक कारक। ये कारक हमारा उस व्यक्ति की विशेषताएं हैं जो कि समस्या प्रधान है, जो इस समय परामर्श प्रार्थी है। इस व्यक्ति के अंदर अंतर्दृष्टि कैसी है, ये भावनात्मक संकट इस तरीके का कैसा है, इस विषय को लेकर के अगर हम समस्या परामर्श देंगे तो हमारा परामर्श सफल होगा। दूसरा है परामर्शदाता कारक। ये परामर्शदाता वो व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति को परामर्श दे रहा है। ये व्यक्ति कितना सक्षम है, ये समस्याओं को कितना समझ सकता है, कितना अपने क्षेत्र में विशेषता रखता है, प्रशिक्षण और अनुभव इस पर किस तरीके का है, इसके कारण इसकी सहानुभूति, गर्मजोशी और इसकी वास्तविकता के लेवल पर भी हमारे अधिगम और समस्या जो परामर्श की प्रक्रिया है उसकी सफलता निश्चित करती है। अगला कारक संबंध कारक होता है। ए और बी यानी परामर्शदाता और परामर्शग्राही के बीच में जो संबंध बने हैं वो किस तरीके के हैं, इस विषय पर भी हमारी परामर्श की बहुत बड़ी सफलता प्रभावित होती है। पर्यावरणीय कारक, एटमोस्फियर जो है, जहां पर वो दोनों लोग रहते हैं, जहां पर परामर्श कार्यक्रम चल रहा है, कार्यालय या कमरा जहां पे परामर्श सत्र होते हैं, वहां का एटमोस्फियर कैसा है, ये सारी की सारी बातें परामर्श देने के लिए बाध्य होती हैं और आवश्यक होती हैं और परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अगले कारक के तौर पर है समस्या कारक। व्यक्ति की समस्या कैसी है, उस समस्या की प्रकृति कैसी है, उसकी गंभीरता कैसी है, इन सभी चीजों को देखते हुए हम इस कारक को भी ध्यान देंगे। तकनीकें और हस्तक्षेप, जो परामर्शदाता है वो किस तरीके की तकनीकों का प्रयोग कर रहा है या उसने कौन सी परिस्थिति या विधि अपनाई है जिससे कि वो व्यक्ति की समस्याओं को समझ करके उसे प्रभावी ढंग से अपने परामर्श देता है। व्यक्तिगत कारक कुछ अन्य कारक हो सकते हैं, जिसमें इतिहास हो सकता है, विश्वास हो सकता है, मूल्यों में कमी हो सकती है, परामर्श के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो सकते हैं, उसकी धारणाएं हो सकती हैं। ये परामर्श की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख हैं। संक्षेप में, परामर्श प्रक्रिया ग्राहक और परामर्शदाता के बीच जटिल और गतिशील बातचीत है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। इन कारकों को समझकर परामर्शदाता एक चिकित्सीय वातावरण बनाने का काम कर सकते हैं और अपने ग्राहकों के लिए सकारात्मक परिवर्तन और सफलता को बढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें
तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निर्देशन के परामर्श के विभिन्न उपकरण और प्रविधियों के बारे में बताएं। उपख्यानक अभिलेख जिन्हें संचयी अभिलेख कहते हैं और वृत्तिक वृत्त का विस्तार से वर्णन करें। तो इन प्रविधियों के बारे में अगर हम देखें तो ये परामर्श हमारे परामर्श के बैकग्राउंड की बात है। निर्देशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हम सभी जानते हैं। निर्देशन प्रदाता के पास विभिन्न तरीके की सूचनाएं उपलब्ध कराना निर्देशन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा है। इसके बिना निर्देशन वो प्रदान नहीं कर सकता। छात्र और व्यक्ति की समस्या किस प्रकार की है, जब तक यह निर्धारित नहीं होता तब तक निर्देशन नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर यह तय होता है कि सूचना कैसे प्राप्त की जाए और कैसे सही व्यक्ति को सही दिशा में निर्देशन की सहायता प्रदान की जाए। निर्देशन सेवा सहायता प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रविधियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। इन भागों में हमारी जो प्रविधियां हैं, जो तकनीकें हैं, वो प्रमाणीकृत तकनीकें हैं जिन्हें स्टैंडर्ड प्रविधियां कहते हैं, और अप्रमाणीकृत जो प्रविधियां हैं जिन्हें नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक्स कहते हैं। प्रमापीकृत प्रविधियां कौन कौन सी हैं? प्रमापीकृत प्रविधियां वे हैं जिनकी रचना करते समय वैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों और तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी वैधता, विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता ढंग से ज्ञात की जाती है। इनमें हमारे प्रमुख निम्नलिखित हैं। इनमें हमारा बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और अप्रमाणीकृत परीक्षण। अप्रमाणीकृत तो दूसरे में आएगा। तो हमारे ये जो ऊपर के पांच हैं, इनको टेस्ट को हम वैज्ञानिक प्रविधियां कहते हैं। और उसके बाद सेकंड लेवल पर हमारी अप्रमाणिक प्रमापी प्रविधियां आती हैं। इन प्रविधियों में हमारी कुछ की अपनी खुद की रचनाएं सम्मिलित हैं, जिनमें हम अपने अनुसार आत्मनिष्ठ विधियां प्रयोग करते हैं। इनमें साक्षात्कार, अवलोकन, समाज, नीति, प्रश्नावली, व्यक्ति अध्ययन, निर्धारण मापनी, आत्मकथा, संचित अभिलेख या आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख आते हैं। यहाँ पर इन्हीं पाठ्यक्रमों के अनुसार केवल तीन प्रमापीगत गतिविधियों का हम उल्लेख करेंगे। और इन गतिविधियों में हमारा साक्षात्कार, अवलोकन या निरीक्षण और व्यक्तिगत अध्ययन आता है। इन तीन के अनुसार ही आपको भी अपने निर्देशन सेवाओं को केंद्रित करते हुए अपने आंसर को देना है। यहाँ पर एक का विस्तार से अध्ययन किया जाना है, तो आप साक्षात्कार, अवलोकन या व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी किसी का भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उपख्यानक अभिलेख यानी संचयी रिकॉर्ड पर वर्णन किया है। तो संचयी रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में हम अपने आप में अपनी डायरी में शामिल करते हैं। ये स्थायी डेटा होता है जो उस व्यक्ति की संपत्ति और उसकी देनदारियों या मूल्यांकन के संबंध में विवरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इसके तहत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का हमें उल्लेख मिलता है और इसमें वर्णन मिल जाता है। यदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं संबंधों का विश्लेषण किया जाए तो रिकॉर्ड ज्ञान के नए स्रोतों के रूप में काम करते हैं। विशेष रूप से इन रिकॉर्ड में नए स्थान शामिल होते हैं। इनमें क्या क्या चीजें आती हैं इसको आप देख लें। इनमें 9 स्थान हैं और इन्हीं को हम विशेष ध्यान देंगे। इनमें व्यक्ति की परीक्षण, बुद्धिमत्ता और मानकीकृत उपलब्धि कितनी है, प्राथमिक और उच्च विद्यालय में शिक्षा कैसी रही है, घर माता पिता का व्यवसाय कैसा है, राष्ट्रीयता कैसी है, उसकी पारिवारिक हिस्ट्री क्या है, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित उसके मापदंड, दोष, विचार और उपचार, लंबे समय तक अनुपस्थित कारण सहित, अगर वो काफी लंबे समय तक वो बच्चा विद्यालय में नहीं आया तो क्यों नहीं आया है, शिक्षक द्वारा उसके विषय पे क्या रिपोर्ट दी गई है, इस बात का विवरण, व्यावसायिक शैक्षिक उद्देश्य और व्यावसायिक उद्देश्य और रुचियां भी इसका प्रमुख अंग होती है। व्यावसायिक शैक्षणिक व्यावसायिक उद्देश्य, बाहरी रुचियां, रोजगार, स्कूल गतियां उस व्यक्ति ने कैसी की हैं, इस विषय पर भी चर्चा की जाती है। इन विधियों के बाद हम विद्यार्थी के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, टिप्पणियों और निर्णय लेने वाले रिकॉर्डों को देखते हैं। तो इस तरीके से जब हम संचयी अभिलेख बनाते हैं तो यह रिकॉर्ड कोई भी देख सकता है और यह रिकॉर्ड पाठ्यक्रम के उन्नत शैक्षिक और व्यवसायिक कैरियर के रूप में छात्र के मार्गदर्शन के लिए मूल्यवान उपहार प्रदान करने वाला बनता है। यह मनुष्य आगे मनुष्य के लिए जांच के लिए सुराग के क्षेत्र में कुसमायोजित विद्यार्थी को समझने में उपयोगी होगा। स्पष्ट रूप से यह कम वस्तुनिष्ठ डेटा ऐसे संकलित व्यक्ति के स्रोतों को समझने के लिए आवश्यक जानकारी के प्रकार के रूप में प्रयोग होता है। अधिकांश ऐसे विद्यार्थियों के कुसमायोजन में गतिशील कारकों को शामिल नहीं किया जा सकता। गतिशील कारक वो होते हैं जो थोड़े समय के लिए प्रभावी रहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस खंड सा के भी चारों क्वेश्चंस के एग्जांपल आंसर आपको प्रोवाइड कराए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया अपने दोस्तों तक शेयर करें, इसे लाइक करें और अगले ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपका धन्यवाद।